हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज द कंडक्टिविटी ऑफ 0.01 मोल पर लीटर सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इज 3.9 इनटू 10 रेस्ट पावर दिस। कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, इफ लैम्डा नॉट एम फॉर एसिटिक एसिड इज दिस, देन कैलकुलेट इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गेट अंडरस्टैंड द की कॉन्सेप्ट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो की कॉन्सेप्ट जो हमारा यूज होगा इस क्वेश्चन में वो यूज होने जा रहा है, दैट इज माय कॉन्सेंट्रेशन सेल, या फिर बेटर टू से वी हैव कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन, नॉट कॉन्सेंट्रेशन सेल, कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हमें बतानी है मोलर कंडक्टिविटी सॉल्यूशन। ठीक है, यहां पे लिखना है कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन। सबसे पहले मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, क्या क्या गिवन है हमें वो लिख लेते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन गिवन है 0.001 मोल पर लीटर, दैट इज मोलैरिटी, सिंपल। देन वी आर गिवन विद द कंडक्टिविटी, दैट इज के, जिसको कापा से भी कहते हैं, 3.905 इंटू 10^-5 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी। सबसे पहले तो मोलर कंडक्टिविटी इज लैम्डा एम, दैट इज इक्वल टू के इन 2000 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन या फिर मोलैरिटी। तो वैल्यूज पुट करते हैं यहां पर, 3.905 इंटू 10^-5 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय, यहां पर 10^-, इसको मैं लिख सकता हूं डायरेक्ट, -3 मोलर। तो यहां पर है 10^-3 मोलर। ठीक है, तो ये हमारे पास, अब ये जैसे ही ऊपर जाएगा तो यहां पर हम देख सकते हैं, सबसे पहले इट विल गेट कन्वर्टेड इंटू इज इक्वल टू 3.905 इंटू 10^-5 को मैं एज इट इज लिख रहा हूं, और ये ऊपर आके हो जाएगा 10^+6। तो ये -5 एज इट इज है, ये ऊपर आके +6 हो गया, तो यहां पर हो जाएगा फाइनल आंसर 39.05। यहां पे हमारे पास आ गई वैल्यू मोलर कंडक्टिविटी की साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये मोलर कंडक्टिविटी निकाल ली। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विच इज एल्फा। तो यहां पे हमें निकालनी है वैल्यू एल्फा। सो व्हाट इज एल्फा, यहां पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है। सो एल्फा की जो वैल्यू होती है, दैट इज इक्वल टू लैम्डा एम डिवाइड बाय लैम्डा नॉट एम, दैट इज मोलर कंडक्टिविटी, और मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, दैट इज दिस, ये हमारी होती है इनफाइनाइट डाइल्यूशन को। तो वैल्यूज अगर पुट करें तो वी विल हैव यहां पर 39.05 डिवाइडेड बाय 390.5, अब ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास सिंपली 1/10 के, दैट विल बी इक्वल टू 0.1। तो अल्फा की वैल्यू आ गई 0.1, तो यहाँ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछे, यस, अगर परसेंटेज पूछे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देगा। सो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया है। सो हमें वी हैव टू टेल लैम्डा एम, दैट इज मोलर कंडक्टिविटी एंड अल्फा। तो अल्फा आ रहा है 0.1 एंड ये आ रहा है हमारे पास 390.5, सॉरी हमारा 39.05 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, और अल्फा इज यूनिट। सो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। Hope you understood this well. Best of luck.